हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदीला फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम अ केक आर्टिस्ट। आई मेक वीडियो ब्लॉग्स, बेकिंग, कुकिंग एंड मच मोर। इफ़ यू लाइक एनीथिंग इन माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर रेसिपी, और जो कि है स्प्रिंग रोल। बहुत ही मज़े के और बनाने जा रही हूँ मैं। आप सब मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपना जो स्प्रिंग रोल का जो मिक्सचर है उसको रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस, और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है, और पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। उसके अंदर हमने इस जो चिकन को कट किया है इसको हमने फ्राई कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके अंदर हमने कोई चीज़ पानी कुछ भी ऐड नहीं करना। और यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो हाफ डन हो चुका है, फ्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स जो बाकी के हैं वो ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर वोस्टरशायर सॉस ऐड कर रही हूँ, और अब मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमारा चिकन सॉस इसके अंदर पक रहा है, तो इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैंने वाइट मिर्च ऐड कर दी है, और इसको मिक्स करके इसके अंदर मैंने बाकी की तमाम जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर दी हैं। वेजिटेबल्स में अनियन है, गाजर है, शिमला मिर्च है एंड बंद गोभी है, ठीक है। इन सब को मैंने जूलियन कट कर लिया था, और चिकन जब हमारा पक गया है तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है, और इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है, चिकन के साथ वेजिटेबल को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो पक ना जाएं। इसका हमने जो कच्चापन है सब्ज़ी का वो रहने देना है। यहाँ पर हमारा स्प्रिंग रोल का जो है मिक्सचर वो रेडी हो गया है, और इसका अब हमने जो है फ्लेम उसको ऑफ कर देना है, और इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देना है। और अब चलते हैं हम अपने रोल की तरफ। तो रोल की जो हमने पट्टी खुद घर पे तैयार करनी है, उसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, और उसको अच्छे से हमने छान लेना है। ताकि हमारे मैदे के अंदर अगर कोई भी गुठली या कोई चीज़ हो तो वो निकल जाए। और छानने से ये होता है कि हमारा मैदा की जो भी चीज़ बनाएं बहुत ही ज़बरदस्त और फूली बनती है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है सॉल्ट, और इसके अंदर अब मैंने 1 अंडा ऐड कर दिया है, और इसके साथ साथ मैंने 1 ग्लास पानी का ऐड कर देना है, और इसको हमने विस्की के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जितनी ज़रूरत होगी हम इसके अंदर साथ साथ पानी ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमें जो ये हम मिक्सचर बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा थिन में चाहिए, तो इसलिए हम इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा हम इसको फेंटेंगे, जितना ज़्यादा हम इसको अच्छे से बीट करेंगे, तो उतनी ही अच्छी हमारी जो मांडा पट्टी है, रोल पट्टी है, वो उतनी ही अच्छा हमें रिज़ल्ट देगी। इसको हमने यहाँ पर पानी साथ ऐड करते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है, ताकि हमारा जो मिक्सचर है आप देख सकते हैं कि इतना थिन होना चाहिए, ठीक है।
थिक मिक्सचर ज़रा भी नहीं होना चाहिए। अब इसको हम रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए और अब हम इसकी बना लेते हैं छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे। और अब मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और उसको मैंने ब्रश के साथ सब जगह पे फैला दिया है। और अब हम एक इसका जो हमारा मिक्सचर रेडी किया है उसका स्पून उठाऊंगी यूँ और इसको सारे पैन में यूँ फैला दूंगी। जितना भी हमारा मिक्सचर पतला होगा उतनी ही परफेक्ट हमारी रोल की जो पट्टी है वो बनेगी। ठीक है, इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेना है। अगर तो आप चाहें तो दोनों साइड से पका सकते हैं, अगर नहीं तो आपने बस एक साइड से इसको पकाते जाना है और बाहर किचन काउंटर पर इसको रखते जाना है। ऐसे ही सब हम वन बाय वन करके सारी ही रोल पट्टी खुद ही तैयार करते जाएंगे और इनको हमने किचन काउंटर पर रखते जाना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, फिर हम इनके बनाएंगे स्प्रिंग रोल। तो यहाँ पर हमारी जो रोल की पट्टी है वो बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हो गई हैं। आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड से हमने इनको पका लिया था, अब अच्छे से ठंडे हो गई हैं। तो अब हम इनके रोल बना लेते हैं। यूँ हमने इसके अंदर जो मिक्सचर बनाया है वो रखना है और इसकी साइडों को यूँ हमने बंद कर देना है और ऐसे उठा के ऐसे हमने इसको रोल करते जाना है। और इसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून मैदा के अंदर पानी ऐड करके उसका ब्रीक सी थिन सा एक पेस्ट बना लिया है, वो लगाते जाएंगे और रोल को हम फोल्ड करके उसके साथ चिपकाते जाएंगे। जैसा कि मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपने रोल को फोल्ड करते जाना है। और यहाँ पर हमारे जो रोल हैं सब फिल हो गए हैं, बनके रेडी स्प्रिंग रोल हो गए हैं। तो इनको हमने अब फ्राई कर लेना है, जिसके लिए हमने अब एक कढ़ाई में ऑयल रख लिया है और उसको हमने ज़्यादा हीट अप नहीं करना और उसके अंदर वन बाय वन करके हम अपने जो स्प्रिंग रोल हैं उनको ऐड करते जाएंगे। और इनको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको हमने फ्राई करते जाना है जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए 10 से 15 मिनट में और क्रिस्पी फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो रोल हैं माशाल्लाह से परफेक्टली फ्राई हो गए हैं। और अब हम इनको अच्छे से इनका ऑयल जो है उसको स्टेन करके तो इनको हम अब प्लेट में एक टिश्यू रख के उसके ऊपर रखते जाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पर हमारे जो रोल हैं माशाल्लाह से परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं और इसको अब हम टमाटो केचप के साथ सर्व करें गरम गरम। रमज़ान स्पेशल है, आप इसको अपनी इफ्तार पार्टी में, अपनी टी पार्टी में और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के ज़रूर दीजिएगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।